पट लिखाऊं। दोस्तों ब्रॉड को शेयर कर दीजिए जल्दी से, लोगों को पकड़ पकड़ के लेकर आइए, कहिए कि राखी सावंत आ चुकी हैं, उनके सवालों का जवाब देंगे हम, जिसके भी जो भी सवाल है मेरे दोस्तों प्यारे, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और जितने भी लोग हैं। थैंक यू सो मच यंग चन, थैंक यू एवरीवन। सुमित, थैंक यू सुमित, यस आई विल सुमित, या दोस्तों ब्रॉड को शेयर कीजिए प्लीज, जितना ज्यादा हो सके, सबको बुला बुला के लाइए, सबको कहिए राखी सावंत आ गई है सबके सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू अवस्था, आदि दिल, थैंक यू, लुकिंग सो क्यूट, या मेरी माँ की, ठीक है तेरी भी माँ की, थैंक यू आशीष, लव यू टू, सिंपल बॉय रंडी, तेरी माँ पे तेरी बहन रंडी, तू भी रंडवा जिंदगी भर का। सिप्रा ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। प्रिया, थैंक यू। ओ ड्रीम बॉय यहां पे भी आ गए, वाओ। एड मी मैम, या डेफिनेटली। दोस्तों आपके सारे सवालों का मैं आज जवाब दूंगी, इसलिए मैं आई हूं यहां। आपकी अपनी राखी सावंत, द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड बजाओ राखी सावंत। जिन जिन के सवाल होंगे ना उनके जवाब देंगे। शाजा राखी नाचो, अरे नाचेंगे बाद में, नाचेंगे पहले बजाएंगे उसके बाद नाचेंगे। कब जवाब दूंगी, अरे आ तो जाने दो सबको, सबको आ तो जाने दो। दीपक कलाल अपना कुछ मोट, अभी उसने मैसेज किया था इंस्टा पे कि अपना उसका कुछ बड़ा है, वो मोटा पकड़ के बैठा हुआ है, उसने कहा मोबाइल बोला या कुछ और, मोटा पकड़ के, इतना बड़ा मोटा पकड़ के बैठा है, पता नहीं गधे भी नहीं किसका होगा। हाँ वो तो गधा है ना, तो गधा है तो गधे का ही होगा। दीपक कलाल अगर आप हो मेरे फेस्ट इंस्टा पे तो आप आ जाओ जरा सामने सामने, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारा मोटा। थैंक यू प्रियंका। दोस्तों ये दुनिया ऐसी है, जितना शांत रहेंगे ना पिछवाड़ा मार के जाते। तो हस्बैंड है ना मेरे पास ही है, मेरा हस्बैंड बहुत बिजी है, मेरा हस्बैंड देश को चला रहा है, बहुत बिजी है। अब देश चलाना खाने का काम थोड़ी है भैया, बताओ। हम सब मिलकर बनाएंगे राखी जी आपके सपोर्टर, थैंक यू डार्लिंग। मिशा रॉक्स वेलकम, राखी जी वांट टू मैरी, ओ प्लीज मिशा रॉक्स प्लीज। मैं तो सबके नाम का सिंदूर लगा लेती हूँ, ये राहुल गांधी जी के नाम का लगाया है, मोदी जी के नाम का लगाया है, बाबा रामदेव जी के नाम का लगाया है, सलमान के नाम का लगाया, करण जौहर के नाम का लगाया है, और कौन बाकी रह गया, डीएस के नाम का लगाया है, और किस किस के नाम का लगाऊं भैया, दीपला अपना दीपड़े के नाम का, मिशा के नाम का भी लगाया है सिंदूर। हां अंकित भड़वे, सही बोला अंकित भड़वे, तू ही अंकित सिंह, बोल 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 भड़वे। You looking cute and hard.
चांद, थैंक यू। दोस्तों एक एक करके सवाल पूछे, मैं आपको अच्छी तरह जवाब दूंगी, ठीक है? जिसने टेढ़ा सवाल दिया करेगा उसकी गाने में घुस जाऊंगी, ठीक है? हे रैक्स, हाय शेरबा, तुम लोग सालो, मैं पोस्ट कुछ भी करती हूँ फालतू के कमेंट करते हो, भी बात करो मेरे से, बात करो मेरे से। थैंक यू मिशा, मिशा आइए आप जरा बात भी कीजिए हमारे साथ। आइए अपने अपने सवाल बताइए, और कुछ लंडो को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे से, एक सपना मैंने देखा, सपना देखना। हाय मिशा रॉस, इस दुनिया में सपना देखना बुरा है क्या? नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। आप एक जगह बैठ जाओ ताकि आप हिलो नहीं इतनी, ऐसे हिल नहीं मैम, वही क्या आपको देखे हिल जाते हैं ना सब, तो मैं भी हिल गई थोड़ा सा। कैसे हो मैम आप, लेजेंड राखी सावंत? ठीक हूँ। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपके सिंदूर बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ देखो, एक द्रौपदी थी पांचाली थी, मैं सात चाली हूँ, दस चाली मेरे दस और उनके नाम का लगाया हुआ है। ओके 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 ओके। और मैम बताइए कुछ अपने बारे में, अभी कैसा टाइम चल रहा है आपका कोरोना के टाइम में, आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं घर में हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। हर इंसान डिप्रेशन में रहता है, और बट मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, प्रे कर रही हूँ। पर एक ऐप पे जाके बैठती हूँ, वहां पे मुझे बहुत मजा आता है, वो बीचो ऐप पे मैं जाती हूँ, और बीचो पे मस्त जाके मैं मजे करती हूँ। तो एवरीवन पे किक मारने का सिस्टम नहीं है, अगर यहाँ पे है लोगों की गांडों पे किक मारने का सिस्टम होता तो मैं बहुत पहले मार देती। कि कैस हो जाता, कि कैस। बट जो अपने हैं वो अपने हैं, दूसरे सब सपने हैं। जो मुझे प्यार करता है मुझे सपोर्ट करेगा। आपको आपको मुझे देते थे वो कुत्तों के बच्चे कहाँ चले गए? आओ बहन के लौड़ो आओ, पता नहीं गधे के गांड कहाँ गए मैम। बट बात सुनो, आओ मैं बता दूं मुझे क्या सपना आया था। जो मुझे मैसेज कर रहा है आपको, आपका बड़ा बड़ा फैन लगता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये मोटा वो छोटा पता नहीं क्या क्या, कोई है दीपक कलाल आपका बहुत बड़ा फैन है शायद? हाँ, बहुत ही बड़ा फैन। मेरा मोटा सा मैं पकड़ के बैठा हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं आएंगे दिखाने अपना मोटा छोटा? डंडा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज लाइव में दिखेगा सबको, आज लाइव में वो जरूर दिखेगा। आपने बोला है कि आप आके दिखाइए, तो आज जरूर दीपक कलाल जी लाइव दिखाएंगे शायद। सो दोस्तों, ये है हमारी फ्रेंड मिशा, ये सबकी माँ बहन कर देती है और ले भी लेती है अच्छी तरह से, आगे पीछे ऊपर नीचे मस्त सबकी ले लेती है। तो दोस्तों मेरी बात सुनो, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, मिशा जी आप रहिए यहाँ। ओके मैम, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सुनो मेरी बात, लौड़ो लौड़ियो जो मेरे खिलाफ जाते हैं कान खोल के सुन लो। जो मेरे सपोर्टर है उनको धन्यवाद, मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन जो नहीं है, मेरी ब्रॉड पे आके तुम गंद मचाते हो, तो आज मुझे ये रूप धारण करना पड़ा है राधे माँ का। राधे माँ बोलो, लौड़ी माँ बोलो, जो बोलना है मुझे बोलो, चलेगा, समझ गए? सुन लो मेरी बात। या दिस इज स्क्रिप्टेड, यू आर राइट। मैं सुशांत सिंह की बहुत अच्छी दोस्त थी, दोस्त हूं, दोस्त रहूंगी, ठीक है? हम लोगों ने इतना काम किया, ठीक है? अबे हाँ लौड़े मैम, मुझे लगता है कि लंड है भड़वे। मैम मुझे लगता है सुशांत जी का जन्म अब आपसे ही होगा। मैंने
इतना न्यूज चैनलों में हर जगह हैमर हुआ, मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ जी, जो सुशांत सिंह के साथ हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ जी अरे तेरी बहन को बेच, मेरे यहाँ बिल्डिंग के नीचे वॉचमैन खड़े ताक, इन सबको तेरी बहन पे चढ़ा दूंगी ताक, यू आर 97, तेरी बहन और तेरी माँ को चोदेंगे, समझे भड़वे। अरे बहन के लोड़ो कमेंट में क्या सुन रहे हो, और 10-10 रुपए में वो सारा 10-10 रुपए तुझे मिलेगा भड़वे, और उसकी तू जाके स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा लेना या चॉकलेट, तेरी बहन की कमाई की। सुनो मेरी बात, सब लोग yes, बता रही हूँ, मेरे इंस्टा पे अपनी गांड मत मरवाओ, समझ गए। मुझे सपना आया, जो आया वो बताया, मैंने सपने में देखा क्या पता है जी, मैंने सपने में ये देखा कि सुशांत मेरे ड्रीम में आए। जब आप हैमर ले हैम हैम करते हो ना, तो एक बंदा हाँ। सपने में आता, सोच के सोते हो तो। बेबी तुम 2 मिनट के बाद आओ ना, आज ओके जा, कट कर, ओके मैम बाय। और जो नीचे गाली दे रहे हो उनकी गांड मारो बैठ के। जी जी मैम, रंडी चौथ करती हूँ अभी, रुको। हाँ इनकी ये रंडी की औलादे हैं, इनकी गांड मारो। मैं कभी गाली नहीं देती, आज पहली बार गाली दे रही हूँ, सुनो मेरी बात। तो मुझे आया सपना, मैंने ड्रीम में देखा, मुझे सुशांत ने मुझसे बात करी, मैंने ड्रीम में देखा, और उन्होंने कहा राखी मैं जन्म लूंगा दोबारा, तुम टेंशन मत लो, मेरे फैंस को बोलो रोए नहीं, मेरे फैंस को बोलो टेंशन ना ले, मैं दोबारा आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। मैंने कहा कैसे, तो कहा कि मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा, मेरी जब मैं मां बनूंगी तब मुझे एक बेटा होगा और एक बेटी होगी, दो बच्चे, तो पहले बेटा होगा, मुझे बोला, जो अगले साल होने वाला है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं एकदम शॉक हो गई, मैंने कहा क्या कह रहे हो बता। हाँ, और मैं पसीना पसीना नींद में, और मुझे कहा कि जितनी भी मेरी फिल्में जो बैलेंस है नहीं बनी है, वो प्रोड्यूसरों को बोला बनाए, सुशांत का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता है, कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट ब्रदर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान था। कौन बोल रहा है, अभी आवेश, तेरी माँ को लेकर आ, उसको चुदवाती हूँ आवेश बड़वे। फिर मुझे सपना आया, ये बताओ जो मेरे चाहने वाले दूसरे लंडो को छोड़ दो, वो बड़वे हैं भोसड़ी वाले, उनको छोड़ दो, जो मेरे चाहने वाले हैं, ये बताओ अगर ये सपना सलमान खान को आया होता तो आप लोग मानते, ये सपना किसी बड़ी हीरोइन को आया होता तो आप लोग मानते, ये सपना लंदन की क्वीन को आया होता तो आप लोग मानते, प्राइम मिनिस्टर को आया होता तो मानते, क्योंकि मुझे आया है तो कुछ भड़वों की गार्ड में लौड़ों को लंडों को मुझे गाली दे रहे हो भड़वे, तुम्हारी माँ की छूत, तुम्हारी माँ का भोसड़ा, हाँ रंडी के 10 बाप की औलाद हो भड़वे, तेरी गांड में ताकत है, मुझे मिल, आ मुंबई सामने आ, तेरा लंड काट के चूतिए कुत्तों को खिला दूंगी भड़वे, भड़वियों, समझ रहे हो। और मैं किसी बॉलीवुड के बारे में है ना गलत नहीं बोलूंगी, राखी सावंत एक एक बहुत बड़ी छिनाल है, कौन है पता नहीं नाम है, उस रंडी ने पूरा बॉलीवुड में चुदवाया, चोत चोत के दुनिया ने छोड़ दिया, प्रोड्यूसर ने काम नहीं दिया, ठीक है, वो जाके उसको एक भी फिल्म नहीं मिली, जाके है एक साइको केस, करण जौहर के बारे में बोलती है कि करण जौहर तू गे है क्या, सामने आजा बता, अब करण जौहर है या नहीं तुझे क्या मालूम,
तू करण जौहर का चूसने गई थी, चाटने गई थी। करण जौहर एक रिस्पेक्टेड डायरेक्टर है, करण जौहर एक रिस्पेक्टेड प्रोड्यूसर है, सबको काम देते हैं, मुझे भी दिया। मैं कभी भी किसी के पास गई नहीं थी, लेकिन मुझे स्पेशल बुलाया, काम दिया, यशराज बैनर में दिया। मैं तो नहीं थी, मैं तो नहीं थी, न्यू कमर थी, मुझे तो काम दिया। हाँ सिंधे, तेरी माँ रंडी, तेरी बहन रंडी, तू रंडी का बच्चा भड़वे, सलमान खान तुम्हारा बाप है भोसड़ी वालों, शाहरुख खान तुम्हारा बाप है भोसड़ी वालों भोसड़ियों वाले हो, आमिर खान, संजय लीला बंसाली, ये बड़े बड़े लोग तुम्हारे बाप है भोसड़ी वालों। तुम लोग आज गाली देते हो, हैं? कल तुम लोग ही जाके इनकी फिल्म थिएटर में अपना हिलाते हुए बैठ के देखोगे भड़वो है लौड़ो। कि अभी तक पता नहीं चला है हमारे दोस्त भाई सुशांत की जान किस वजह से गई है, उनको क्या मेंटली प्रेशर था, क्या था। तुम लोग ने यहाँ पे आंदोलन कर दिया, ठीक है, ये आपका हक है, आप लोग कर सकते हो। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को गालियां देने का क्या मतलब, क्या मतलब? सिद्धार्थ शुक्ला, इनको ब्रेक दिया करण जौहर ने, कौन सा बड़ा स्टार था, कौन से स्टार का बेटा था, कितने एक पाकिस्तानी हीरो है उसको चांस दिया करण जौहर ने, इतने लोगों को चांस दिया करण जौहर ने। सलमान खान ने गरीबों का घर बसाया, सलमान खान ने गांव गांव को अडॉप किया, सलमान खान ने भोसड़ी वालों तुम्हारी माँ का भोसड़ा चूतर रंडी के औलाद, और सुनो और उन रंडियों को बोल दो, राखी सावंत बोल रही है ये, जो सलमान शाहरुख आमिर करण जौहर के बारे में कोई बोलेगा